अस्सलाम वालेकुम, वॉइस आ रही है आप लोगों तक? वॉइस आ रही है तो बताइए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। एक बार क्लियर कर दीजिए कि वॉइस आ रही है। वॉइस अगर आ रही होगी तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बोलिए। जी देखिए, हम लोग जो आज करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, तो अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा लगातार हर दिन करेंगे। स्पेशली जो आज का लेक्चर है पेपर फर्स्ट वालों के लिए है, लेकिन पेपर सेकंड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं इजी लेवल के क्वेश्चंस, वो वहाँ पे भी काम आएगा आपको। तो दोनों के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, लेक्चर के बाद जो है इसको मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। वक्त ज़ाया नहीं करते, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। थ्री बॉक्सेस कंटेंट रिस्पेक्टिवली 216, 126, 162 नोटबुक्स। तीन बॉक्स दिया गया है। अब तीन बॉक्स में जो नोटबुक है, एक में 216 है, एक में 126 है, एक में 162 है। ठीक है, इफ थ्री बंडल्स ऑफ इक्वल नंबर्स ऑफ नोटबुक आर मेट। अब अपने को क्या बनाना है, तीन बंडल बनाना है। अब कितना कितना दिया तो नहीं मालूम, लेकिन अपने को बंडल बनाना है, और सारे बंडल जो होना चाहिए वो कितने होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब तीन बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ था आपके पास, एक बॉक्स इधर, एक बॉक्स इधर। अब उसमें से बॉक्स में से बुक निकालते हुए आपको इक्वल बंडल बनाना है, यानी सब में बराबर आएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप समझ लीजिए ये एससीएफ के बारे में बात कर रहा है। मुश्तरक जुजाफे, मुश्तरक आदे आजम जिसको उर्दू में बोला जाता है, तो मुश्तरक आदे आजम की बात कर रहा है, यानी एससीएफ की बात कर रहा है। तो एससीएफ आपको निकालना है, बहुत आसान तरीका है, आसानी से निकल जाता है। मैं दोनों तीनों नंबर लिख देता हूँ, 216 हो गया, 126 हो गया, और तीसरा जो है 162 हो गया, तीन बॉक्स है। तो कभी भी आएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की बात हो रही है तो आपको क्या निकालना है, याद रखिए आपको एससीएफ निकालना है, मुश्तरक आदे आजम निकालना है। ठीक है, सभी को याद रहेगा। तो आज पेपर फर्स्ट है, ये आपको काम आएगा। अगर आप पेपर सेकंड वाले हो तो भी आपको काम आएगा, ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं आएगा। ये लेवल का जो क्वेश्चन है पेपर सेकंड में भी आता है, इस लेवल का क्वेश्चन। तो आप इस तरह से ना देखिए कि जरा भी आपको काम नहीं आने वाला पेपर सेकंड का, आपको आने वाला है। पेपर सेकंड का जो स्पेशली जो लेक्चर शाम में 6 बजे साइंस का लेक्चर रहेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, स्पेशली सेकंड पेपर के लिए है, वो पेपर सेकंड के लिए, साइंस वालों के लिए है। तो यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये 216 है, 126 है, 162 है। अब गैप देखिए, जिसके बीच में गैप कम है, तो आपके बीच में गैप कम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 216 126 का गैप है, यहाँ पे 126 और 162 का गैप है। तो अगर आप देखोगे कि गैप कहाँ है, तो आपको बोलोगे सर यहाँ पे 162 126 के बीच में गैप कम है, कितने का गैप है। तो यहाँ पर आप देख लोगे तो ये देखो 126 162 है, यहाँ पर मैं देखूँ तो भाई यहाँ पे 32 ये हो गया, 4 ये 36, 36 का गैप दिख रहा है। कितने का गैप दिख रहा है, 36 का गैप दिख रहा है। क्या 36 से ये डिवाइड होता है, ये सारे नंबर डिवाइड होते हैं? अगर होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे। 36 से डिवाइड हो रहा है क्या ये, तो 36 से अगर मैं देखूँ तो 36 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। आप डायरेक्ट ट्राई कर सकते हो, 6, 7, 2, 9 होता है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 का अगर मैं 3 गुना करता हूँ तो कितना होता है, 3 गुना 216 होता है क्या, 3 छंग 18 होता है ना, 3 छंग 18 होगा। 30 का अगर मैं गुना करूँ, 30 का टेबल 6 बार पढ़ो तो 6 6 36 होता है, 1 6 3 18 है ना, 36 का 3 आ गया, 6 3 18, 18 3 21 हो गया 216। हाँ, 36 से डिवाइड हो रहा है, और 126 हो रहा है क्या 36 से डिवाइड, ये देख सकते हो। 36 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ कितनी बार पढ़ता हूँ, 3 बार पढ़ूँ तो 3 बार पढ़ूंगा कितना हो जाएगा, 30 का टेबल 3 बार पढ़ूँ तो कितना होता है, 90 होता है। 30 का टेबल अगर आप 3 बार पढ़ोगे तो 90 होता है, और 6 का टेबल आप 3 बार पढ़ोगे तो 18 होता है। 6 3 18 और 90 मिला दो कितना हो गया, 90 और 18 कितना हो गया, 118 हो गया, लेकिन 126 दिया, इसका मतलब ये 36 से डिवाइड नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, इसको और ब्रेक कर दोगे, तो ये हो गया आपका 18 और 2 हो गया, 18 दूना 36, क्या 18 से डिवाइड होता है ये, तो आप आसानी से चेक कर सकते हो 18 से कैसे डिवाइड होता है। देखो पहले 18 किससे बना है, 9 और 2 से बना हुआ है, तो 9 से चेक कर लो। 9 से अगर मैं चेक करूँ तो देखो 6 3 9 हो गया,
है ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो ही आपको समझेगा, अगर नहीं पता है तो नहीं समझेगा। एक मिनट, तो देखिए यहां पर आप देखो 18 से डिवाइड हो रहा है, तो 18 से डिवाइड हो रहा है, 126 भी 18 से डिवाइड हो रहा है। क्यों? 6 2 1 9 हो गया ना, ये भी 6 1 7 2 9 हो गया। क्या आपको एक सिंपल क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल पता है या नहीं? अगर नहीं पता है तो भाई नहीं समझेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो नहीं समझेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है आपको मालूम है क्या? ये नंबर 3 1 5 क्या 9 से डिवाइड है, तो आप क्या करोगे, ये कोई और नंबर ले लो। चलो ये 9 से डिवाइड है तो हम लोग क्या करते हैं, इन डिजिट को सम कर देते हैं। यो क्या हो गया, 3 1 4 4 5 4 9 9 8 कितना हो गया, 17। 17 क्या 9 से डिवाइड होता है, 9 के टेबल में आता है, 9 से तकसीम होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता। ये बेसिक रूल है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आज हमारा रिविजन लेक्चर चल रहा है, ये बेसिक चीजें आप इतना पढ़ के आए होंगे तो ही आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो अब 9 का जो रूल है, 9 के हिसाब से ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये 18 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर जो आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए बताइए सभी को क्लियर है? हाँ, तो डायरेक्ट हमने एससीएफ तो ही लिया ना, डायरेक्ट हमने एससीएफ ही लिया ना। किसका कमेंट से भाई? गालिब बोल रहे हैं भाई, हमारे पास गालिब आ गए क्या? ठीक है, तो इकबाल कहाँ है, उनको भी ढूंढना पड़ेगा मिर्जा गालिब के बाद, है ना। ओके आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो ग्रुप में, मैं ऐड कर लूंगा आपको। ठीक है, चलिए दी गई मुयन की शक्ल में ये आपको मालूम करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, ये जो क्वेश्चन है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बताइए क्या आएगा आंसर, एक बार आप बताइए फिर मैं बताता हूँ, फटाफट आंसर बताइए इसका क्या आएगा। सर पेपर 2 के डिफिकल्ट लेवल की ज्यादा आएगा क्या? नहीं, डिफिकल्ट लेवल का ऐसा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट लेवल रहेगा आपको ना, मॉडरेट डिफिकल्ट सब लेके चला जाएगा ना, तो 10-12 क्वेश्चन, 12-15 क्वेश्चन आपका इजी रहेगा, 10 क्वेश्चन कम से कम आपका मॉडरेट रहेगा, बाकी 5-6 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट रहेगा। तो आपको पहचानना भाई, आप मॉडरेट को भी अगर डिफिकल्ट समझ लेती हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, 70 है ये, देखो क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल देखेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका एक मोयन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं इंग्लिश में, तो रोम्बस है, तो रोम्बस के अंदर मेरे भाई क्या है, ये 20 है, तो ये क्या होगा अल्टरनेट एंगल अगर देखोगे आप। ठीक है, क्योंकि ये जो साइड होते हैं अपोजिट वाले वो पैरेलल होते हैं, तो ये 20 है, तो ये भी क्या होगा आपका 20 होगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना, ये बाइसेक करता है और परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 20 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 70 होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, ये 90 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा 70 होगा आपका। ओके, चलिए एग्जाम में आया हो क्वेश्चन, कई बार आ चुके, देखो 2 क्वेश्चन है, तो पहले आप ये इजी वाला है नीचे वाला बताइए, फिर बाद में ऊपर वाला देखेंगे। सवाल नंबर 7 को पहले बताइए, 18 में 17 में दोनों में आया हुआ है,
क्या है आंसर भाई? 70, 20, 20, 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखिए कैसे करेंगे यहां पे, अब देखो पिछला जो था वैसे इस्तेमाल करेंगे, यहां पे ए है ना, ए मालूम करना है, तो ये 70 है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये आपका अल्टरनेट एंगल बन गया, जिसको मुतबादला जाविया बोलते हैं उर्दू में, उर्दू में बोलते हैं मुतबादला जाविया, इंग्लिश में अल्टरनेट जो एंगल रहेगा। तो ये 70 इस तरह से बनता है, आपको जेड वाला याद होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया ये 70 है, तो ये क्या होगा आपका 70 होगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है सेम वही फिगर है, किसकी है, रोम्बस है, ये क्या फिगर है, रोम्बस है, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा, 90 ये हो गया, 70 ये हो गया, तो ये कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर 7 का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर 6 का आप आंसर बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको सवाल नंबर 6 का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या कमेंट्स है भाई? नहीं समझा कुछ भी, इतना डायरेक्ट डायरेक्ट। देखो हुजैफ जी, एक्चुअली हम लोग आज रिवीजन क्लास कर रहे हैं ना, एग्जाम के आखिरी टाइम है, तो आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए ना, कैसे मजा आएगा। ठीक है, अगर आखिरी टाइम में भी अगर मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो फिर रिवीजन का क्या मतलब रह जाएगा, क्या आप रिवीजन ले रहे हो ना, बात समझ रहे हो आप। चलिए देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, यहाँ पे ये 20 है तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये भी 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 है तो ये होगा आपका 90 हो गया, ये आपका 70 हो गया। ठीक है, अब इसमें कई प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की जा सकती है एक के बाद एक। सबसे पहले आपको ये प्रॉपर्टी तो मालूम होगा ना मेरे दोस्त, कि इस तरह से एक है ना, यहाँ पे एक एंगल बना देता हूँ, ट्राइंगल बना देता हूँ, तो आपको ये प्रॉपर्टी तो मालूम होगा कि भाई ये दोनों एंगल का जो सम होता है किसके बराबर होता है, अगर ये ए है ये बी है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, है ना, 90 बोल रहा हूँ, एक मिनट, ए प्लस बी होगा। ठीक ना, सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के जरिए आपको मालूम होगा कि अगर मैं यहाँ पर देखो, ज्योमेट्री में जितने प्रॉपर्टी आपको मालूम है कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, और भी अगर आपको तरीका मालूम है तो वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं 40 मान लूँ तो यहाँ पे 60 हो गया, तो आप क्या बताओगे इसको, इसको कितना आएगा बताइए, कमेंट्स करिए आप जरा, कि अगर मैं ये 60 ले लूँ या 40 ले लूँ तो कितना आएगा। जैसे मैंने बोला ए बी अगर यहाँ पे है तो ये क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा, तो वहां कितना आएगा आप कमेंट्स करके बताइए जरा। तो उसी प्रॉपर्टी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये 90 आपका, ये आपका 90 हो गया, और ये भी आपका 90 हो गया। अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, ये दोनों मिलाकर आपका होने वाला है कितना, 90 होगा, क्योंकि ये 90 है, जैसे यहां पे हमने लिया ना, ये 100 बन गया आपका, ये कितना बन गया, 100 बन गया, तो ये दोनों को मिलाकर आपका क्या होगा, 90 होने वाला है। अगर मेरे भाई यहाँ पे ये 20 है, ठीक है, तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 70, अगर ये 70 ले लूंगा तो चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे देखो 70 लेता हूं, ये 70 ले लिया और ये 20 लिया, तो जाके कितना हो जाएगा, क्लियर है। तो ये देखो 90 है तो 20 70 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 20 70 90। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे इसलिए लिया कि ये 20 है ये 20 है, तो ये क्या हो गया 40 हो रहा है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 20 है 90 है, तो ये क्या होगा आपका 70 होगा, ये 70 होगा, तो ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा, क्योंकि ये दोनों का सम उतना ही आना चाहिए। ये 20 20 40 है, अगर ये 40 है तो उसके सामने वाला एंगल भी 40 होगा, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा घुमाऊ है यहां पर। तो अब यहां पे 40 है आपने ले लिया, तो अगर ये हो गया 70 तो ये 70 है, ये दोनों मिला के 70 70 140 हो गया, है ना, 70 70 कितना हो गया 140 हो गया।
और आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल का प्रॉपर्टी मालूम होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का प्रॉपर्टी मालूम होगा कि यहां पे जो भी एंगल बनते हैं, एक बना, दो बना या तीन एंगल बना, कितने भी एंगल बना, तीनों का सम कितना होगा, दो रहेगा, दो का सम कितना होगा, लीनियर पेयर एंगल जिसको बोलते हैं, उर्दू में खत्ती जोड़ी के जाविये बोलते हैं। तो एक लाइन के बनने ऊपर बनने वाला जो जाविया होता है, तो जावियों का जो मजमुआ होता है, एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 होगा। ये 70 70 हो गया कितना, 140, कितना होना चाहिए 180, तो 40 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका साफ मतलब ये है कि यहां पर कितना होगा, यहां पे 40 एंगल होगा, 40 डिग्री आपका यहां पे होगा, यहां पे 40 डिग्री होगा। और भी प्रॉपर्टी, जैसा मैं बताया, जरूरी नहीं कि आप वैसे इस्तेमाल करो, आपके पास अगर और भी प्रॉपर्टीज है, और भी मेथड है करने का, तो आप कर सकते हो, जैसा आपको जमता है वैसे करो। ज्योमेट्री में बस प्रॉपर्टी का खेल है, जैसा जहां पे लग गया वो आपके लिए बेहतर है, है ना। मैं ऐसा कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपके वैसे ही करना है, आपको कुछ और प्रॉपर्टी मालूम भी तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, ये बहुत आसान है, मैं तो करा ही रहा हूं, आप भी ट्राई कर लो, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मगर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। अगर मैं इस तरफ फिगर बना दूं तो आपको क्लियर नजर आएगा थोड़ा सा। देखो इधर मैं फिगर बना देता हूं, ये आपका हो गया, ये लो, ठीक है। अगर आपको इस तरह से फिगर दिखे तो आपको समझ में आ गया कि ये ट्रेपेजियम है। उर्दू में क्या बोलते हैं, जुजंका बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। अब ऊपर क्या 29 दिया है, ये पार्ट आपको 29 दिया है और ये पार्ट आपको 17 दिया है, और यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ है 90 डिग्री का, उमूद जिसको बोलते हैं उर्दू में, ये 15 है आपका, और ये 29 हो गया, ये 10 हो गया आपका। एक यहां पे परपेंडिकुलर मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं अलग कलर में, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए। ये 90 डिग्री ये भी ले लो आप, ठीक है, 90 डिग्री ये हो गया आपका, तो ये आपका 29 हो गया, ये 29 हो गया, ठीक है, और 15 15। तो मेरे भाई सीधे सीधा और सिंपल बात है कि ये 29 है तो ये कितना होगा, ये भी क्या होगा आपका, 29 होगा, ये भी 29 होगा। और अपने को मालूम क्या करना है, हमें यहां पे मालूम करना है ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करना है। सवाल में क्या बोला है कि इसका रकबा मालूम करो, है ना, जमीनी हिस्सा का मुशाहदा कर, तो ये मुशाहदा करके इसका रकबा मालूम करना, यानी ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करना। फिगर आपको दिख रहा है, ये क्या है, ट्रेपेजियम फिगर है, इंग्लिश वाले तो भी मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, तो ट्रेपेजियम जो है, नहीं ज्योति जी क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है, एक्चुअली प्रोवाइड नहीं अपने पास, तो है जो है मैं बता रहा हूं आपको, बस ये फिगर है जो मैं सब बोल रहा हूं उस पर याद रखिए आप। तो आपको क्या मालूम करना, ट्रेपेजियम जो है ये वर्ड, इसलिए मैं बार बार इंग्लिश में भी बोल रहा हूं ताकि आप लिख सकते हो वहां पे पॉइंट, है ना, नोट डाउन कर सकते हो बाद में उस पर। ट्रेपेजियम या लेक्चर होने के बाद में जब आप देखोगे तो वहां पे सिर्फ जो लफ्ज होंगे, जो वर्ड होंगे इंग्लिश में, वो आप लिख लेना। तो अपने को ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करना, यानी ये जो फिगर पूरा दिया है इसका एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो ये एरिया मालूम करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको एरिया मालूम करने के लिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है, जो जुजंका का फॉर्मूला है, ये क्या होता है, 1/2 पैरेलल जो साइड होते हैं, पैरेलल साइड का सम होता है, तो पैरेलल साइड का सम होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करोगे, हाइट से। हाइट मालूम है मेरे को, देखो हाइट नहीं मालूम है, जो उमूद है इसको बोलते हैं हाइट, तो ये अपने को मालूम नहीं है, तो ये भी मालूम होना चाहिए अपने पास। तो अपने पास हाइट भी नहीं है और अपने पास पैरेलल साइड जो है उनका सम मालूम करना है, उनका सम होना चाहिए, तो वो सम भी मालूम नहीं कर सकती क्योंकि यहां पे 29 दिया और यहां 29 15 है, लेकिन यहां तक नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम करना पड़ेगा, ये पार्ट मालूम करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट मालूम करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई भी आप पहले मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 17 है, यहां पे 15 है, ठीक है। अब यहां पे पैथागोरस लगेगा, पैथागोरस आप लोगों को मालूम है, पैथागोरस में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, वितर का जो स्क्वायर होता है, जो बड़ा वाला जो जिला होता है, बड़ा वाला जो साइड होता है, ये बड़ा वाला साइड है, इसका जो स्क्वायर होता है उसमें, है ना, ये वाला माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कोई भी साइड आ जाएगा। ये पैथागोरस आपने पढ़ा है क्योंकि आज रिविजन लेक्चर चालू है, तो बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो 17 का स्क्वायर जो आप करोगे, 17 का कितना हो गया, 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289 हो गया, और 15 का 225 हो गया, ठीक है। तो 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, कितना हो गया 64, 64 का स्क्वायर रूट कर लो तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया निकल के 8, कितना आ गया आपका 8 निकल के आ गया, ठीक है। देखो बेसिक से आपको मालूम है कैसे हाइपोटेनस, ये सब पता हो गया आपको, ठीक है, पहला साइड, दूसरा पहला साइड स्क्वायर, दूसरा साइड स्क्वायर, तो ये सब लिखते बैठूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो शॉर्ट में हमको समझना है क्योंकि रिविजन लेक्चर है। तो ये 17 हो गया, ये हमारे पास 8 निकल के आ गया, तो ये भी हमारा 8 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के हेल्प से तीसरा वाला मालूम कर लोगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64,
10 में से है ना, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो गया, ये 64 हो गया, 64 में से 100 निकाले 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट कर दो कितना आ गया 6, जैसे यहां पे हमने किया वैसे यहां पे किया और ये आ गया आपको 6, क्लियर है। तो मेरे भाई अगर आपको पैथागोरस का थ्योरम मालूम होगा, को निकालने मालूम होगा, तो आपको समझ रहा होगा, नहीं तो आपको नहीं समझ रहा होगा। जिनको मालूम है फिर भी नहीं समझ रहा तो कमेंट्स कर देना। तो ये हो गया आपके पास, ये देखो आपके पास हाइट निकल गया, आपके पास हाइट आ गया, हाइट कितना है मेरे पास 8 हो गया, मेरे पास हाइट इतना क्लियर है, हाइट मेरे पास 8 हो गया, और मेरे पास ये क्या है 29, तो एक लिख दिया मैंने 29, ये हो गया। और दूसरा जो है नीचे वाला पैरेलल साइड जो है, तो पैरेलल का जो सम होना चाहिए, मैंने क्या बोला ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल जो होगा, पैरेलल जो साइड होगा उसका सम, पैरेलल साइड यानी उर्दू में जो बोलते हैं मुतवाजी जिले, तो पहले ये दोनों जिले जो है मुतवाजी है, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों पैरेलल है मुतवाजी है, तो दोनों का सम, दोनों का मजमुआ यहां पे 29 और यहां 29, 6 कितना हो गया 35 और 15 कितना हो गया आपके पास, ये देख लो 35 हो गया, 35 15 50, तो ये आपके पास 50 हो गया 50, ठीक है, ये आपके पास 50 हो गया। अब 24 हो गया आपके पास, अब यहां पर देखो दोनों को प्लस कर दिए तो यहां पे होगा 50 79 हो गया आपके पास, ये 4 हो गया और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 749 जा कितना होता है 36 कैरी आया 1 3 आया 4 साथ ही 28 और 31 316 आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड। हां आप जो बोल रहे हैं ना कुछ क्वेश्चन में इंग्लिश, जहां देखो पहली तो क्वेश्चन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं था ना, जैसे क्वेश्चन था निकालने की कोशिश किया गया, क्वेश्चन जहां से मिला हमारे पास, तो जो जो मिल रहा है हम लोग करा रहे हैं और मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, वहां पे इंग्लिश में लिख लीजिए, और जब इंग्लिश का पेपर मैथ्स पेपर सेकंड रहेगा तो उसमें तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, आपको मालूम है कि मैथ्स पेपर सेकंड में हमेशा मैं इंग्लिश में लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैथ्स पेपर सेकंड वाले हो तो उस वक्त आप जब लेक्चर लोगे तो उस वक्त आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगा, पेपर फर्स्ट वाले ज्यादातर कैंडिडेट उर्दू में होते हैं तो उसके हिसाब से ये है। और हमारे पास एक्चुअली मवाद भी जो है इसके मटेरियल जो है वो प्रोवाइड नहीं है उर्दू में, इंग्लिश में सॉरी। देखो ये फिगर हम लोग देख लेते, ये आपके पास एक सर्कल है ओके, सर्कल के पास यहां पर आपका एक ट्राइंगल है, यहाँ पे टच है, तो यहाँ पे टच है तो ध्यान देना ये E हो गया आपके पास, और आपको यहाँ पे फाइंड करना है X, ये एंगल फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल ये फिगर दिया है, इस फिगर में हमको क्या करना है X फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है X फाइंड करना है, आप कर लोगे। ओके यस सर सेकंड बोले, हाँ तो सेकंड वाली है तो आप कोई टेंशन नहीं, आप जब सेकंड का लेक्चर रहेगा कल कल के बैच में वो देख लेना, आप पूरा इंग्लिश में रहेगा उस टाइम, और अभी शाम में 6 बजे आप साइंस का लेक्चर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, जो पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है, शाम में 6 बजे है ना, ये स्पेशली पेपर फर्स्ट वालों का लेक्चर है, स्पेशली ये पेपर फर्स्ट वालों का लेक्चर है, अगर आप पेपर सेकंड वाले हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसमें 80% 70% क्वेश्चन जो है पेपर सेकंड के लिए है, सॉरी पेपर फर्स्ट के लिए है। देखिए यहां पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में मुसाविल अजला मुसलस हो तो एक्स की कीमत मालूम करना है, ठीक है, ये जो है ये क्या है कौन सा है, इसको बोला गया है ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उर्दू में देखो साफ में लिखा है क्या है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों एंगल जो होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कभी भी बनता है, सभी एंगल कितने के होते हैं, साठ साठ होते हैं। कितने के होते हैं, साठ साठ डिग्री के होते हैं, ये भी साठ, ये भी साठ का होगा, ठीक है। तो ये अपने को साठ साठ मिलकर अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है एंगल बना हुआ है, तो ये जो है आपका ये साठ डिग्री का है, और ये भी मिलाकर साठ है, ये भी आपका साठ साठ है, ये हमें मालूम है, ठीक है। यहां पर आपका जो बन रहा है ये नब्बे बन रहा है, ये आपको नब्बे मिल गया। तो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे मालूम करना है x की कीमत मालूम करना है। मुझे क्या मालूम करना है, x की कीमत मालूम करना है। देखो ये x है, इसके सामने ही 60 है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, आर्क दिख रहा है, इंग्लिश में बोले तो आर्क, उर्दू में बोले तो कॉस, ये आर्क हो गया, उर्दू में बोले तो कॉस, ठीक है। तो ये एंगल जो दिख रहा है, इसका जो आर्क है, और यहां पर जो आपको दिख रहा है इसका पिंक वाले का आर्क, दोनों का आर्क क्या है, सेम है, दोनों का एंगल क्या है, दोनों का जो कॉस है सेम है। जब कॉस सेम होगा तो एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, एंगल भी सेम होगा। मैं इसको इस तरह से बना के आपको दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर। यहां पे एक एंगल बना हुआ है और यहां पर एक एंगल बना है, कॉसी जाविया जिसको बोलते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इंग्लिश में इंस्क्राइब्ड एंगल बोला जाता है, उर्दू में कॉसी जाविया शायद बोला जाता है। तो यहां पर दो एंगल हो गया आपका, और इनका जो आर्क है, इनका जो आर्क है, ये इनका आर्क है। तो आपको आर्क दिख रहा है सेम है, दोनों का साथ आर्क जो यहां से लेकर यहां तक है सेम है। तो ऐसे टाइम में क्या होगा, यहां पे अगर 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर सभी को, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। आज हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीटेड है, या उस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में है, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हो गया क्लियर भाई, समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया। और एक प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, ये भी प्रॉपर्टी बता देता हूं, अगर यहां पे बना हुआ है, अगर ये एंगल यहां पे आर्क कितना है, अगर आर्क यहां पे 80 है तो इससे बनने वाला जो इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, इससे बनने वाला जो कॉसी जाविया वो कितना होगा, उसका आधा होगा, क्या होगा, उसका आधा होगा। ये 80 है तो ये क्या होगा, 40 होगा। उर्दू का मैराथन कल रहेगा, उर्दू का मैराथन कल शाम में रहने वाला है, ठीक है। डेली का शेड्यूल है, दो लेक्चर डेली होगा, तो जुम्मा शनिचर आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक लगातार चलने वाला है, कोई टेंशन नहीं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आया था, आप कर सकते हो आसानी से। क्या बोला है कि 49.247 है, यहां पे 4 दिया, देखो 4 की वैल्यू कितनी है, अगर आप देखोगे तो 4 की वैल्यू जो है 40 है, 4 की वैल्यू 40 है। तो आप चाहो तो 4 की वैल्यू को 40 को ऐसा भी लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 10 भी लिख सकते हो। और यहां पर क्या है, यहां पर 4 है, 0.4 है, 0.04 है, ठीक है, 2 की जगह ऐसा लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं जमता तो डायरेक्ट यहां पे लिख दो 4 लिख दो। और नीचे क्या लिखना है आपको, नीचे देखो कितने के बाद आया है, पॉइंट के कितने बाद आया, 1 2 नंबर पे ना, पॉइंट के बाद 2 नंबर पे। तो नीचे क्या लिख दो आप, 100 लिख दो, नीचे क्या लिख दोगे आप, 100 लिख दो, ठीक है। या 4 से 4 कैंसिल करो, और मालूम क्या करने बोला आपको, मालूम करने बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम राइट देन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ये आपको बोला है एक्सट्रीम राइट वाला। अब उर्दू में देखे तो क्या बोला, दाएं तरफ की 4 की मकामी कीमत, बाएं तरफ की 4 की मकामी कीमत के कितना है, दाएं तरफ वाला बाएं की तरफ का यानी इस तरफ का कितना गुना है। तो इस तरफ का बोलेगा तो उसी तरफ लेके चले जाओ, ये 10 को इस तरफ लेके चले गए, जिस तरफ बोलेगा, ठीक है, दाएं तरफ वाला जो है बाएं तरफ का कितना गुना है, तो बाएं तरफ कितना, जिस तरफ बोलेगा उस तरफ लेके चले जाओ, तो 100 हो गया, ठीक है, ये 100, ये 10 कितना हो गया, यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 की कुवत 3 हो जाएगा, और 10 की कुवत 3 ऊपर लेके जाओ, 10 की कुवत -3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे से पावर ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो, कितना है, 10 के पावर -3 गुना है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसा कर सकते हो आप, ओके। नहीं, कोई भी डिलीट नहीं होता, यूट्यूब पे कोई भी चीज डिलीट नहीं करते। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा गया है, सबसे हलवा क्वेश्चन है, फ्री वाला मार्क्स है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया, कई बार रिपीट किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, मुरब्बई मसावाद बोला जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कैसे करेंगे इसको,
एक्स की पावर 2 माइनस 9x 40 है। तो यहां पर देखो x माइनस 5 और आंसर सारे क्या है मेरे प्लस में आंसर है ना, इस तरह से आंसर दिए हुए, सारे आंसर इस तरह से दिए, तो मेरा कभी भी होगा x माइनस 5 है ना ऊपर कटने वाला है, x माइनस 5 क्या होगा कट जाएगा, तो मेरा आंसर जो होगा तो 5 तो नहीं आएगा मेरा आंसर इस हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। अगर x माइनस 5 नहीं आता, 5 नहीं कटता, तो ऊपर क्या होता, कुछ दूसरा आंसर आता, ठीक है। अब आंसर मेरे पास 4 प्लस में आएगा कि माइनस 4 में आएगा वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से रहेगा तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, फिर आपको समझा देता हूं कि आप कैसे करते हो। यहां पे 20 है तो 20 को आपको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि एक नंबर क्या होगा माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने पे माइनस 9 आना चाहिए, तो आप बोलोगे 5 4 या 20 होता है, दो नंबर ऐसा लेना है जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 20 आए, प्लस माइनस करने पे माइनस 9 आए। तो ये हो गया आपका प्लस 5, अगर मैं ले लूं तो चलेगा नहीं चलेगा, ये दोनों को आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस लिखना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा, तो माइनस 5 माइनस 4, ठीक है, माइनस 5 माइनस 4 हो गया। अब यहां पे दो सॉल्यूशन हो गया, तो यहां पर आपका क्या लिख सकते, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो x माइनस 5 लिख सकते हो, x माइनस 4 लिख सकते हो, अपॉन x माइनस 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो x माइनस 5 x माइनस 4 कट गया इक्वल टू 0 है, x माइनस 4 माइनस 4 उस तरफ गया तो प्लस 4 में आंसर आ गया आपका, इस तरह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आ गया, क्लियर है। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का लगता है, और माइनस और माइनस का कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे माइनस 2 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या होगा प्लस में आएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस आएगा और माइनस माइनस करोगे तो प्लस होगा। डायरेक्ट ट्रिक यही है भाई कि ये माइनस प्लस रहेगा आपके पास, ये माइनस प्लस कभी भी आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस, ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा हमेशा प्लस में आएगा, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, डायरेक्ट चीज तो याद रखो। अगर यहां माइनस प्लस आएगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा पहला पॉइंट। दूसरा जो है तो नेगेटिव पूरा आपका हट गया, आपने पूरा नेगेटिव हटा दिया, आपको ये मालूम था कि माइनस प्लस रहेगा तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, तो आपने दो आंसर को हटा दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच गया, अब माइनस 5 ऊपर कट जाएगा क्योंकि ऑप्शन कहीं भी बट्टे में नहीं है, अपॉन में नहीं है, तो हमारा माइनस 5 कट जाएगा, तो माइनस 5 भी आंसर नहीं आएगा, 4 हमारा आंसर आएगा, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड आपको बता दिए। अच्छा 30 में से 10 मिल जाएगा आराम से, देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो मिल जाएंगे। तो सम ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग मुकम्मला जाविया और मुतमम जाविया बोलते हैं, मुतमम जाविया और मुकम्मला जाविया, इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब दो जाविये है, दो एंगल है, उनका सम 90 आ गया तो वो मुकम्मल जाविया हो गया, मुकम्मला या कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। उसी तरह सप्लीमेंट्री में क्या हो गया, जब दो एंगल का सम जो होता है एक्स प्लस वाई अगर 180 होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं मुतमिम जाविया बोलते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई क्या करना है, यहां पे बोला है कि कोई एक ऐसा एंगल है जो दोनों में शामिल है, यहां पर भी कोई एक ऐसा एंगल है जो क्या करता है अगर दोनों को मिला देते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री के जोड़ी में भी है, सप्लीमेंट्री के भी जोड़ी में है, मुतमिम के भी जाविया की जोड़ी में भी है, मुकम्मला की भी जोड़ी में है, और दोनों को मिला दो तो कितना बनता है, वो बन जाता है आपका कितना बनता है 200 बनता है उसका सम, उसका सम कितना बनता है 200 उसका सम बनता है, ठीक है। तो मैं ऐसी जोड़ी को मान लेता हूं, ऐसे जाविये को मैं मान लेता हूं कि वो क्या हो गया आपका 90 माइनस एक्स हो गया पहला वाला, तो आप क्या करोगे 90 माइनस एक्स ले लोगे, दूसरे वाले में क्या करोगे 180 माइनस एक्स ले लोगे, क्या ले लोगे 180 माइनस एक्स ले लोगे, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे एक्स यहां पे लेके चले जाऊं तो ये हो जाएगा, और यहां पे लेके चले जाऊं सेम चीज वही है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ गया आपका y 90 माइनस एक्स हो गया, यहां से क्या आएगा y इक्वल टू 180 माइनस एक्स, ठीक है सेम चीज है। अब दोनों का सम क्या हो गया, दोनों का सम कितना है 200, कितना है 200 दोनों का सम है। तो मेरे भाई यहां पे देख लो कैसे करोगे आप, यहां पर आप निकाल दो माइनस करके, अगर मैं माइनस करके निकाल दूं तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 90 270 हो जाएगा, 80 270 हो गया, ये माइनस 2x हो गया, ये 200 हो गया आपका, 200 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 70 आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा,
टू और ये डिवाइड हो गया तो 35 आ गया आपका आंसर। देखो ये जोड़ी क्या ले सकते थे हम लोग, यहां पे 90 माइनस एक्स क्यू लिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री का बोला है तो कॉम्प्लीमेंट्री एक एंगल अगर एक्स ले लूंगा तो दूसरा क्या होगा उसका माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे मान के चलो यहां पे आ गया 35, एंगल कितना आ गया 35 आ गया, तो मैं मेरे पास एक एंगल तो 35 है ही है तो दूसरा एंगल क्या आएगा 90 में से 35 माइनस कर दो तो कितना आ गया 65, तो दूसरा एंगल 65 होगा। ठीक है 55 होगा, दूसरा एंगल कितना होगा 55 होगा आपका, तो दोनों की जोड़ी होगी 35 और 55 की जोड़ी यहां पे है। फिर यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, यहां पे 80 है तो दूसरा 35 माइनस कर दो, ठीक है तो 155 आ गया, 155 नहीं 145 आ जाएगा, तो 145 यहां पे हो गया, तो दो की जोड़ी हो गई आपके पास। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। When a number is divided by 15, 11, 12, every time the remainder will be 4. देखो इसका एक आसान ट्रिक बताता हूं मैं, इस ट्रिक के मदद से ही आपको करना है एग्जाम में। ठीक है, वैसे बेसिक से करोगे तो काफी टाइम जाएगा, लेकिन आसान तरीका बताता हूं, कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके पेपर फर्स्ट के लिए भी पेपर सेकंड के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो क्या बोला गया है कि वेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 15, 11, 12 एवरी टाइम रिमाइंडर विल बी 4। जब भी किसी नंबर को अगर हम लोग 11, 12 से डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो हर टाइम क्या बचता है, 4 बाकी बच जाता है, 4 रिमाइंडर होता है, 4 रिमेनिंग रहता है। ये सवाल अपने को दिया है तो अपने पास ऑप्शन दे दिया, यहां पर ये अपने पास ऑप्शन दे दिया, तो आप लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो मेरे भाई एक काम करो, 660 दिया ना, उसमें से हम 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया यहां पर 556 आ गया। इसी तरह 1900 है ना, यहां पे भी 4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1980 आ जाएगा। यहां पे भी 4 माइनस कर दो 1312 है, यहां पे भी माइनस कर दो 26,332। जो आपका रिमाइंडर है, जो बाकी रहता है, उसको ऑप्शन से क्या करना रहेगा, माइनस कर देना रहेगा। याद रहेगा जो भी आपका रिमाइंडर रहेगा, बाकी रहेगा, उसको ऑप्शन से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहां पर भी हमने वही चीज अप्लाई किया और माइनस कर दिया। अब 556 को देखो कि आपका 15 से डिवाइड होता है क्या, 556 जो है 15 से डिवाइड होता है क्या, 556, तो आप बोलोगे 5, 5, 10 और 6, 16 होता है। और इसमें 15 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब तो यही होता है ना 3 और 5, 15 का मतलब 3 और 5 होता है, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बनता है। इसका मतलब 15 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो 556 है तो 556 के आखिर में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसका मतलब 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर भी 15 से डिवाइड होने का मतलब आखिर में 2 आ रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, आखिर में 2 आ रहा है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, यहां पर आखिर में सिर्फ 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही जो ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी को, समझा सभी को, 1316 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर है। हाँ, मैथ्स को आपको आखिर में ही करना है एग्जाम के अंदर, आपको मैथ्स को आखिर में ही करना है, शुरू में नहीं करना है। आप एक्सपर्ट हो तो भी लास्ट में करना है, आपको नहीं आता है मैथ्स उतना अच्छा तो भी आखिर में करना है, शुरू में हाथ नहीं डालना है मैथ्स में, वक्त जाया हो जाएगा आपका। छह सौ छप्पन नहीं होगा, 656 से क्या फर्क पड़ता है, 656 है ना, हमको आखिर का ही देखना है, हमें आखिर का ही देखना है। ओके, 556 लिख दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, आपको आखिर का देखना है बस। यूनिट डिजिट जो है, इकाई मकाम जो है, क्या वो 5 से तकसीम हो रहा है ना, 5 से डिवाइड होगा इसका मतलब वो 15 से डिवाइड होगा, 15 से डिवाइड होना चाहिए मुकम्मल। जैसे 4 से आप माइनस कर देते हो तो वो नंबर क्या होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर तकसीम हो जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए सारे नंबर से, तीनों नंबर से। बात की लॉजिक को समझिए आप, क्लियर समझ में आ रहा है आपको। आज कोई उर्दू में मैराथन नहीं है, आज शाम में सिर्फ एक लेक्चर है, शाम में 6 बजे साइंस का लेक्चर है, ठीक है, वो भी पेपर सेकंड वालों के लिए। उर्दू का लेक्चर कल होने वाला है, शाम में 6 बजे रहेगा उर्दू का लेक्चर, और कल शाम में 4 बजे जो रहेगा मैथ्स का लेक्चर रहेगा पेपर 2 का।
दोपहर में 4 बजे और शाम में 6 बजे उर्दू का रहेगा। उर्दू का जो रहेगा कॉमन लेक्चर रहेगा, शाम में जो कल होने वाला है वो पेपर फर्स्ट वालों के लिए भी रहेगा, पेपर सेकंड वालों के लिए रहेगा, और आज का जो 6 बजे का लेक्चर है साइंस का लेक्चर है। तो आपको अगर अपडेट चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या था आपको समझ में आ गया? तो आपको क्या करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें जो है 4 माइनस कर देना ऑप्शन के अंदर। 4 माइनस होने का मतलब क्या होगा, अगर ऑप्शन में 4 दिया रहेगा तो 4 माइनस करोगे, 2 दिया रहेगा तो 2 माइनस करोगे, 3 रहेगा तो 3 माइनस करोगे, जो भी रिमाइंडर दिया रहेगा, बाकी दिया रहेगा, उसको माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद वो सारे नंबर जो होना चाहिए, जो सारे ऑप्शन होना चाहिए, यहां पर जो भी नंबर दिया रहेगा उससे मुकम्मल तौर पर डिवाइड होना चाहिए, तकसीम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल अगर मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम है तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। ये सवाल है, देखो आपको दिया गया, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर फॉर्म बाय जॉइनिंग 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 88 सेंटीमीटर। फिगर बना देता हूं मैं, ये फिगर आपका है। अब यहां पर एक सर्कल बनने के बाद यहां पर एक स्क्वायर बोला है, तो थोड़ा फिगर है ना अलग सा हो सकता है। ये आपका क्या आ गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। What will the length of the side of the square? क्या बोला है? एक इसका मोहित, उर्दू में क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोहित दिया है, आप उर्दू में भी पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूं। तो कितना दिया, 88 सम दिया है। फॉर्मूला क्या है सरकमफ्रेंस से आप बोले तो मोहित का फॉर्मूला क्या है, मोहित का फॉर्मूला है आपका, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, पाई डी होता है। ठीक है, कितना दिया पाई डी, 88 दिया है। डी अपने को मालूम पड़ जाएगा, यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 है, ये आपके पास d हो गया, 88 हो गया। 22 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करोगे तो 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, d अपॉन 7 आ गया, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 × 7 = 28 हो गया। ये आपके पास d का ऑप्शन का आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन d आपके पास आंसर आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें हमारा जो मेन आंसर है वो नहीं आया, हमें क्या मिला, डायमीटर मिला। क्या मिला, डायमीटर। और डायमीटर क्या है, ये आपका डायमीटर हो गया, ये आपका डायमीटर हो गया। हमें अभी मिला है बीच का ये पार्ट मिला है, और हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड, हमें साइड का लेंथ मालूम करना था, स्क्वायर के साइड का लेंथ मालूम करना था, यानी अंदर के पार्ट का जो स्क्वायर है ना, जो मुरब्बा है, ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक वाला पार्ट, उसका जो साइड का लेंथ मालूम करना। इसका फॉर्मूला है, बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मेरे भाई, कि आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको बस इतना लिखना है कि एस अंडर रूट क्या होता है, 2, और यहां होता है डायगनल, डायगनल यानी कि उर्दू में बोले तो वित्र होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, हमें ये वित्र मिल गया है, ये डायगनल जो है ये मिल गया है। डायगनल कितना मिला अपने पास, जो वित्र है हमारे पास वो आया है 28, यहाँ पे लिख दिया आपने 28। एस हमें मालूम करना है, रूट 2 यहाँ पर है। अब रूट 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 28 डिवाइड बाय रूट 2 आ गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, रूट 2 हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हट जाएगा। अब कहां लिखूं मैं, तो यहां पर आ गया आपका s इक्वल टू, यहां पर आ गया नीचे आपका, ऊपर आ गया 28 रूट 2 और नीचे आ गया 2, नीचे आ गया 2। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी नंबर को अगर ऐसा दिया रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 तो ये होता है आपका रूट 4, और रूट 4 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसी तरह अगर मैं रूट 3 लिख दूं तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 कितना होता है, रूट 9 किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2, डायरेक्ट 2 लिख दो, यानी यहां पे रूट हटा के डायरेक्ट लिख दो, रूट 3 है तो डायरेक्ट 3 लिख दो, कोई भी नंबर हो, इसी तरह रूट 5 रहेगा तो डायरेक्ट 5 लिख देना आप, ये आपके ऊपर है। तो यहां पर फिर क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दो आप, यहां पर आप 2 से डिवाइड कर दिए, जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 14√2 आएगा हमारा आंसर, 14√2। किसी को कुछ डाउट है कमेंट्स करिए, ठीक है, कोई डाउट किसी को कुछ डाउट। फॉर्मूला याद रख लीजिए भाई, ये फॉर्मूला है आपका, विथ इक्वल टू होता है एस, एस का मतलब क्या हो गया, जिला, एस का मतलब क्या है, जिला, इंग्लिश में बोले तो साइड है यहां पे, ठीक है, जिला रूट 2, ये फॉर्मूला है। हो सकता है कई लोगों को नहीं मालूम होगा, डायगनल इक्वल टू साइड अंडर रूट 2 होता है, इंग्लिश में हो गया, उर्दू में बोले तो विथ इक्वल टू जिला अंडर रूट 2 हो गया।
ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट? हाँ, 2021 का पेपर का मैंने कुछ क्वेश्चन लिया था स्टार्ट में, आपको शुरू के 8-10 क्वेश्चन 2021 के पेपर के ही थे। हाँ, क्वेश्चन पैटर्न ऐसे ही आएगा क्योंकि हर साल ऐसे आए हैं। 56 आर्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, देन हाउ मेनी वे कैन दे डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर 56 चीजें मसावी तौर पर तकसीम करनी हो तो उसे कितने तरीकों से तकसीम किया जा सकता है। तो 56 आर्टिकल दिया है, आर्टिकल कितना दिया है 56 दिया है, तो इसको ना मसावी तौर पे अपने को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 56 को मसावी तौर पे डिवाइड करना है, बस आपको चेक कर लेना है 56 कितने नंबर से डिवाइड होगा। तो 56 जो होगा 56 से खुद से डिवाइड होगा, उसके फैक्टर लेना है, और किससे होगा, 56 का आधा कितना होता है तो 28 होता है, 28 से डिवाइड होगा, 28 का आधा कितना होता है 14 होता है, 14 का आधा कितना होता है 7 होता है, ठीक है, ये हो गया, तो 7 + 14 हो गया। लेकिन अभी और भी नंबर है, 8 का टेबल 7 बार पढ़ोगे तो क्या होता है 56 होता है, 8 7 हो गया। फिर 6 के टेबल में आता है क्या 56? 6 के टेबल में 56 नहीं आता है। फिर किसमें टेबल में आता है, 4 में आता है। फिर 3 के टेबल में आएगा, 6 5 11 नहीं आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, यानी जिससे भी डिवाइड होता है 56 56 वो सारे नंबर आपको लिख देना है, उसके फैक्टर ले लेना है, 56 का फैक्टर ले लेना है। तो कितना आ गया 56, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन का है। ठीक है, कभी भी इस तरह का आएगा, आपको बोल दिया जैसे 86 हो गया। इसी तरह अगर मैं बोल दूं आपसे कि भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मुझे बताइए आप लोग कि 84 जो है, 84 को इक्वली अगर डिवाइड करना होगा तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, ठीक है, कितने तरीके से इसको तकसीम किया जा सकता है। अगर 84 को मुझे तकसीम करना हो तो कितने तरीके से मैं 84 को तकसीम कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, सिंपल क्वेश्चन, उसी के बेस पे बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 84 को कितने वे में आप डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, बताइए मुझे सिंपल। अगर ये समझा होगा तो कर लोगे आप। पहला आंसर आ रहा है भाई इमरान आतिफ का 12। ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ लेक्चर के खत्म होने के बाद, लेक्चर के एंड होने के बाद। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है, 84 किससे किससे तकसीम होता है वो चेक करना है। तो 84 किससे तकसीम होता है, तो मेरे भाई 84 जो होता है आपका 84, 84 खुद से ही तकसीम होगा नंबर एक, ठीक है। 84 का हाफ कर लो तो 84 का हाफ क्या होता है, 84 का हाफ हो गया आपका 4 × 8, 2 × 8 2 × 4 ये हो गया 42, 21 ये हो गया आपके पास, ठीक है, 21 का 4 गुना। अब देखो इसके नीचे जो जो नंबर है उससे डिवाइड होता है क्या, 21 से नीचे जो भी नंबर है उससे डिवाइड होता है वो चेक कर लो आप, किससे डिवाइड होगा, 14 से होगा, ठीक है, 14 × 84 14 × 25 = 70 है ना, 14 के बाद किससे होगा, 7 से होगा, 8 से होगा क्या, 8 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा, और उसके बाद 3 से होगा, ठीक है, 6 से होगा, हाँ 6 से होने वाला है, 6 से डिवाइड होगा तो 6 हो गया आपका, और किससे होगा, 3 से होगा, 2 से होगा और 1 से होगा। कितने आ गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया टोटल, 9 आ गया, कितना आ गया, 9 कितना आ गया आपके पास, 9, ठीक है, सही है, कुछ भूला तो नहीं हूं मैं, कुछ भूला तो नहीं हूं,
हाँ 4 बजे वाला टाइम फिक्स है, ठीक है 4 बजे का टाइम फिक्स है। थोड़ा आगे पीछे हो गया तो अलग चीज है, आगे जल्दी तो नहीं होगा, लेट कभी हो गया तो 10-15 मिनट, आज ज्यादा लेट हो गया था। 10 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है। क्या भूला हूं भाई, कुछ भूल गया क्या मैं? 8 तो नहीं आएगा। 12 5 60, 12 6 84, 12 भी आएगा, बिल्कुल सही 12 भी आएगा, इसलिए होगा 10, 12 भी आने वाला है। हाँ 12 भी आएगा, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी बाहम मुफरद अदद, बाहम मुफरद अदद, ठीक है। को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है, यानी एक दो नंबर का पेयर दिया है, इसमें देखना है कि कोई कॉमन नहीं होना चाहिए जो 49 को और 9 को दोनों को डिवाइड कर दे। कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 9 को भी डिवाइड कर दे 49 को भी, ठीक है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाहम मुफर्रद अदद बोलते हैं और को प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो क्या हो गया, 9 और 49 इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, 49 और 9 में नहीं हो रहा है, ठीक है। और 111 में कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 19 और 247, 19 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 19 होता है, अगर 247 को 19 से डिवाइड करूंगा मैं तो क्या होगा, 19 जो होगा आपका 19 हो गया, और यहां पर कितना आ गया आपके पास, ये 5 आ गया, 19 57, यानी डिवाइड हो रहा है मुकम्मल तौर पे, तो ये हम लोग नहीं ले सकते। फिर उसके बाद 21 का टेबल पढ़ो, ठीक है, तो 8 5 13 ये ले सकते हैं, 12 33, 33 और 12 किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 3 के पहाड़ी से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग किसको नहीं ले सकते भाई, इसको नहीं ले सकते। तो क्या क्या आएगा अपना आंसर, अपना 3 आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, कितने बनेंगे आंसर, ऑप्शन नंबर 3, 3 ऑप्शन बनने वाले आपको, ठीक है। तो कौन से प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर की जोड़ी है को प्राइम नंबर की, तो 3 जोड़ी है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे 12 और 33 था, तो 12 33 क्या हो गया, 3 से तकसीम हो रहा था, 3 से डिवाइड हो रहा, 3 चौक 12 हो रहा था, 3 का टेबल पढ़ो तो 11 तक पढ़ोगे तो 33 हो रहा था, ठीक है। चलिए ये बताइए ये है कि नहीं को प्राइम नंबर, अगर आपको समझा होगा तो। 70 55, क्या ये को प्राइम नंबर है क्या, बताइए मुझे। 70 55, क्या ये को प्राइम नंबर है, टेल मी, बताइए भाई, क्या ये को प्राइम नंबर है क्या? नहीं नंबर है, क्यों नहीं है को प्राइम नंबर, क्योंकि देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, आखिरी मकाम पे 0 और 5 आ रहा है, तो 0 5 का मतलब क्या होता है, ये 5 से डिवाइड होता है, 5 की कसौटी क्या है, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि आखिर में अगर 0 5 आएगा तो 5 से डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, इसलिए ये बाहम मुफरद अदद नहीं है, बाहम मुफरद अदद की जोड़ी नहीं है। ये देखिए क्या दिया है, जोड़ मुफरद अदद, वही बाहम जोड़ मुफरद अदद जिसको बोलते हैं मुफरद अदद, बाहम मुफरद अदद में जिसको बोला, बाहम जोड़ मुफरद अदद जो है, इसमें भी आप देख सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है, ये आप कर लेना, जब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ये आपकी जिम्मेदारी। ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा, इन सर्टेन ईयर महाराष्ट्र डे, तो महाराष्ट्र डे कितना पड़ता है, 1 मई को पड़ता है, ये आपको मालूम होगा। फ्राइडे सेम ईयर व्हाट विल बी द डे, शिक्षक दिन, शिक्षक दिन क्या होता है, 5 सितंबर को पड़ता है, 5 सितंबर को शिक्षक डे पड़ता है। तो ये जो को कैलेंडर के क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, पेपर फर्स्ट के अंदर, तो कैलेंडर के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें एक्चुअली इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा क्या पूछ दिया आपको, महाराष्ट्र डे बोल दिया और यहाँ पे टीचर डे बोल दिया, अगर आपको महाराष्ट्र डे नहीं मालूम है तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, एनवायरमेंट डे है वो कब होता है ऐसे मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो नहीं कर पाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट मे को ये होता है, ये 1 सितंबर को ये होता है। हो सकता है क्वेश्चन कई लोगों को नहीं समझेगा कैलेंडर का, क्योंकि इसका बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको, जिन लोगों को अच्छे से कैलेंडर क्वेश्चन पता होंगे उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, बाकी के सर के ऊपर से जाएगा। तो फर्स्ट मे है, तो मे में कितना और डेज आता है, मे में पूरा 31 डेज होता है। तो 31 डे में से एक दिन तो जा चुका है, बचा कितना दिन, तो बचा 30 दिन। तो मे में कितना दिन होता है, 30 दिन बच गया आपका मे के महीने में। तो मे में 30 दिन है, तो ऑड डेज कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ऑड डेज यहाँ पे 2 होगा। ऑड डेज कितना होगा, 2 ऑड डेज होगा। आप कैसे ऑड डेज निकालते हो, 7 से तकसीम कर देते हो, पूरे महीने को 7 से तकसीम कर दोगे तो ऑड डेज आते हैं। तो 30 को आपको 7 से डिवाइड कर दो, 2 आ गया। मई के बाद आपका जून आ गया, जून कितने का महीना होता है, 30 का महीना होता है। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा, 2 क्या रहेगा, ऑड डेज रहेगा। जैन के बाद जुलाई हो गया आपका, जुलाई कितने का महीना होता है, 31 का होता है। 7 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 3 आएगा। अगस्त कितने का होता है, 31 का होता है। 7 से डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा, 3 होता है। सितंबर में जो है 5 तारीख तक जाना है, सितंबर कहां तक जाना है, 5 तारीख, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं, 5 को ऐसे लिख दोगे। क्लियर यहां तक, हाँ ये सब याद रहना चाहिए। 14 नवंबर हो गया, चिल्ड्रन ने हो गया, कैलेंडर सेकंड पेपर में नहीं आता है। कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, ये सब सेकंड पेपर में नहीं आता है, ठीक है। तो ऑड डेज कैसे निकालते हैं मालूम है। अब यहां पे मई का महीना जो है हमने कितने का होता है, 31 का होता है मई का महीना, लेकिन मैंने 30 क्यों लिया है, क्योंकि एक दिन हो चुका है, फर्स्ट में जा चुका है आपका, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने 30 लिया है यहां पे। तो ये टोटल करो, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 5 15, टोटल कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। कितना आ गया आपके पास, टोटल आपके पास 15 आ गया। अब 15 को आप डिवाइड कर दो किसके साथ, 7 से, ठीक है। अब 15 आ गया, अगर छोटा नंबर आता 2 3 4 तो उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन 15 आ गया जो 7 से बड़ा है। तो जब 7 से बड़ा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14, बचा कितना, 1 बचा, 1 आपका क्या आ गया, ऑड डेज आ गया। तो कौन सा दिन बोला था, फ्राइडे के दिन जो पड़ रहा था आपका, मास्टर डे पड़ रहा था। तो इस फ्राइडे के दिन में आप क्या करोगे, एक ऑड डेज है ना, तो एक दिन ऐड कर दोगे, एक दिन ऐड कर दो। तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, एक दिन ऐड करने पे सैटरडे आता है, क्या आता है आपका, सैटरडे आता है। तो ऑप्शन जो है आपका मेरे भाई ये आ गया, चौथा वाला। फिर भी मैंने आपको समझा दिया है ऑड डेज क्या होते हैं, महीने को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, तकसीम करते हो, जो बचा हुआ दिन होता है वही आपका ऑड डेज होता है। हाँ इंक ऊपर वाला देख लो, उर्दू वाला मत देखो, योम अतफाल है ना, ऊपर वाला देखो आप, ठीक है। उर्दू में योम अतफाल लिखा है, इंग्लिश में टीचर डे लिखा है ना, तो आप ऊपर वाला देख लो। उर्दू में ये था, इंग्लिश में ये था, ठीक है। चौदह नवंबर को करना है तो 14 नवंबर को भी आप निकाल सकते हो। अगर 14 नवंबर को निकालना रहता तो क्या करते, मान के चलो अगर यौम अतफाल पे जाता आपका ना, तो फिर आपको चिल्ड्रन डे पे अगर जाना रहता है, जैसे उर्दू में चिल्ड्रन डे दे दिया है ना, तो आपको जाना रहता है, तो फिर क्या करते, आप उसमें और भी ऐड करते। क्या है, सेप्टेम्बर के बाद क्या होता है, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या होता है भाई आपका, अक्टूबर में आपका देख लो जरा, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे सेप्टेम्बर में आपका हो गया 31 30, अक्टूबर में 31 होता है। तो अक्टूबर में 31 होता है, 31 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 और आ जाएगा। फिर नवंबर में कहाँ जाना है, 14 तारीख तक जाना है। नवंबर में कहाँ तक जाना है आपको, 14 तारीख तक जाना है। नवंबर में 14 तारीख तक अगर मैं जाऊंगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये 15 में 3 और मिला दूंगा मैं, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या हो गया, 7 2 14, 4 बचे। अब ये 4 जो ऑड डेज है इसको आप फ्राइडे में मिला दो 4 दिन और, तो आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट्स करके बता दो आप मुझे, अगर उर्दू वाले के हिसाब से चल जाते हम लोग, उर्दू के हिसाब से जो आपका चिल्ड्रन डे के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या होगा। जैसा आप है ना, जैसा आपका मीडियम उसके हिसाब से आप देखो जाके, उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम देखो, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश के हिसाब से देखो, क्योंकि आप
इंग्लिश के हिसाब से नहीं चलोगे, आप उर्दू के हिसाब से चलोगे। उर्दू मीडियम आप ऐसा दे सकते हो बाद में, रीजन दे सकते हो अगर आपका मार्क्स कटा तो, हम उर्दू मीडियम है, हमने हमें इंग्लिश नहीं देखना है। ठीक है, प्रॉपर रीजन भी देना जरूरी है ना उसके लिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये डाइस वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं एग्जाम में। देखो अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट लेना पड़ेगा, जहां पे ए और सी आएगा एक दूसरे के अपोजिट, इसी तरह बी और डी होगा एक दूसरे के अपोजिट, और यहां पर जो बच गया लेफ्ट राइट में ये एक दूसरे के अपोजिट होगा। सवाल में पूछा है कौन किसके अपोजिट है, ये पूछा है कि ए, ए के अपोजिट क्या है, तो ए के अपोजिट आपको दिख रहा है ए, यहां पर इसके अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा ए के अपोजिट। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, ए के अपोजिट सी है हमारा आंसर। इसी तरह अगर मैं यहां पे बोल दूं ऐसा नंबर दे देगा आपको, एक दो तीन चार पांच छ। सवाल में पूछा है कि भाई आपको बताइए, आप मुझे बताइए दो के अपोजिट क्या आएगा, दो के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है तो आंसर बताइए क्या आएगा, दो के अपोजिट, दो के अपोजिट क्या आएगा। दो के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़ के ना चौथा होगा। अगर मैं पूछता एक के अपोजिट क्या होगा तो आप बोलते एक के अपोजिट क्या होगा, एक छोड़कर तीसरा होगा। ठीक है, और लेफ्ट राइट में जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। 10 जेल में से कौन सा आधा 36 से तकसीम नहीं है, 36 से तकसीम कौन सा नहीं है, ये अपने को मालूम करना है। किससे, 36 से कौन सा डिवाइड नहीं होगा, 36 से क्या डिवाइड नहीं होगा ये अपने को फाइंड करना है। पेपर है 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है, 9944 ये दिया है। 36 किससे बना है, 9 चौक 36, 9 और 4 से बना हुआ है। ठीक है, इससे बना हुआ है, अब बस आपको चेक करना है 9 और 4 चेक करना है। देखो ये 9 और 4 तो ये है, साफ दिख रहा है कि डिवाइड होगा नहीं होगा, ये 9 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, बिल्कुल ये नहीं होगा, खत्म खत्म बात खत्म कहानी खत्म। 7 7 14 18 7 5 12 6 18 ये ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये तकसीम पजीर नहीं है। कैसे तकसीम पजीर नहीं है, 9 का कसौटी क्या है, 9 का रूल क्या है, जो भी डिजिट रहता है ना, जो भी हिंदसे रहते सबको क्या करते हैं, सम करते हैं एड करते हैं, तो ये 9 9 क्या हो गया, 18 18 4 22 22 4 26, क्या 26 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता, इसका मतलब ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 3/7 टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन का प्रेजेंट एज क्या है, 3/7, 7 में से 3 पार्ट है उसके फादर का ना। प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन और फादर की बात करते, सन और फादर की अगर मैं बात कर लू तो सन की जो एज है 3 पार्ट है, तो फादर के एज 7 पार्ट है, इसका मतलब यही हुआ 3 और 7 हो गया, कितना हो गया 3 और 7 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 40 ईयर्स, इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना है 40 साल है, तो हाउ मेनी टाइम्स द एज ऑफ सन विल बी द एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, ये अपने को मालूम करना है। आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो क्या बोला है, दोनों के एज का जो सम कितना है 40 साल है, तो 7 3 कितना हो गया, यूनिट के हिसाब से देखो तो यहां पर आप चाहो तो एक्स भी लगा सकते हो, 7 3 क्या हो गया 10x हो गया, 10x की वैल्यू कितनी दी है 40 दिए, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई, तो ये कितना हो गया 4 3 12 हो गया, ये कितना हो गया 4 7 28 हो गया, 4 7 28 हो गया। अब गुना पूछा कौन किसके कितना गुना, ये पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है जो है लिख देना है 12/28 लिख दो, और क्या पूछे, अच्छा डिफरेंस बोला है, सॉरी यहां पर डिफरेंस बोला है, यहां पे डिफरेंस बोला है, सम नहीं बोला है, डिफरेंस बोला है 40 ईयर, इफ द डिफरेंस बिटवीन एजेस इज 40 ईयर्स, डिफरेंस बोला है, सॉरी यहां पे गलती हो गई अपने से,
तो सात और तीन के बीच में कितने का डिफरेंस है, चार एक्स का डिफरेंस है। कितने एक्स का, चार एक्स, तो ये हो गया चालीस आपका, तो चार दहम चालीस हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू दस आ गई, एक्स की वैल्यू दस आ गई। फर्क है यहां पर देखो, मैंने शुरू में गलत लिख दिया था, तो एक्स इक्वल टू दस ये हो गया तीस आपका, ये हो गया आपका सत्तर, तीस और सत्तर हो गया। अब उसके बाद बोला दस साल बाद, दस साल बाद रेशो पूछ रहा है, तो दस साल तो इसमें दस एड कर दो, किसमें, इसमें दस एड कर दो और इसमें भी दस एड कर दो, तो कितना आ गया तीस दस चालीस हो गया, और ये कितना हो गया सत्तर दस अस्सी हो गया, ठीक है, तो चालीस और अस्सी हो गया। अब क्या बोला है, रेशो पूछा है, तो सन और फादर का पूछा है ना, तो सन को ऊपर लिखो क्योंकि इसमें देखो कम और ज्यादा का बोला है ना, तो आपका क्या आ जाएगा रेशो, ये हो गया आपका चालीस बटे अस्सी, डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा एक बटे दो, एक बटे दो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थ्री। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जहां पे मैंने पेपर फर्स्ट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की गई है, आप वहां पे देखिए, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, आप वहां से वीडियो देखिए और प्रैक्टिस पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप टेलीग्राम चैनल से और प्रैक्टिस करिए। कहां से मिलेगा मैंने फिर से बता दिया आपको, आपको चेक करना है वीडियो को डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर मैथ्स पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन, हाँ लेकिन वो है पूरा का पूरा उर्दू में, क्वेश्चन ज्यादातर उसमें उर्दू में है। सभी को समझाइए, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे इसका डबल है, एक का डबल एक बटे दो, एक सेल्समैन है उसको 4% का लॉस होता है, मान के चलो सेल्समैन का 100% था, ठीक है, खरीदी 100% था, 4% का लॉस हो जाता तो कितने में बेचा, 96% में बेचा, कितने में बेचा 96% में, कितने परसेंट के लॉस होने पे, 4% का जब लॉस हुआ तो 96% पे बेचा। अब मेरे भाई क्या हो गया कि अगर वो 6% ज्यादा पे बचेगा, अगर वो 6% ज्यादा पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 106% पे बेचेगा, कितने पे बेचेगा 106% पे, 6% का अगर प्रॉफिट होता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 6% का प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब वो कितने पे बेच रहा है 106 पे बेच रहा है, 100 का सामान है 100% का, तो अगर 4% का लॉस हो रहा है तो कितने पे बिक रहा है 96% पे, 100 रुपए का सामान अगर 6% का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने पे बिक रहा है, वो 106% पे बिक रहा है, तो कितने का फायदा हुआ उसको, 550 रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ यहां पर दिया है, यहां पर दिया है कि 550 रुपए का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ 550 रुपए का, परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो कितने का फायदा हुआ, तो परसेंटेज के हिसाब से यहां पे दिख रहा है आपको 10% का फायदा हुआ, कितने का 10%, और रुपए के हिसाब से देखोगे तो कितना परसेंट का फायदा हुआ, रुपए के हिसाब से देखोगे तो परसेंटेज के हिसाब से 10% का फायदा हुआ और रुपए के हिसाब से कितना फायदा हुआ 550 रुपए का फायदा हुआ, कितने का 550। तो हमें क्या मालूम करना, 100% मालूम करना ओरिजिनल कीमत, और ओरिजिनल कीमत क्या था 100% था, तो मल्टीप्लाई किसे करोगे, 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 10 से जीरो कटा, आंसर आ गया आपका 500, है ना, दो जीरो और बढ़ा दिए 5500 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप कौन सा आएगा, सेकंड वाला हमारा आंसर आएगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, क्या मालूम करना, दी गई मालूमात के बिना पर एंगल ए मालूम करना है, अपने को एंगल ए मालूम करना है, ये वाला, चलिए बताइए कैसे आएगा इसका आंसर। पैरेलल है एक्स और वाई पैरेलल है और ये मालूम करना अपने, यहां पे देखो कुछ और भी साइड दिया है, ये दोनों भी इक्वल है, एंगल ए कितना होगा,
यहां पर L और M भी पैरेलल है, यहां पर L और M भी पैरेलल है, ये जो L दिख रहा है ये, और यहां पर M दिख रहा है ये भी पैरेलल है, ठीक है। देखो ये 80 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री होगा, ठीक है, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा ना 80, कितना ही होगा, नहीं होगा ना, ये 80 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये पूरा इस पार्ट पे दिया। अच्छा ये फिगर सही नहीं है, फिगर में कुछ गड़बड़ है, इसको नहीं करते हम लोग, है ना। सर कितने बचे सीटेड पास है, अब वो तो कमेंट्स वाली बता सकती है कितने पास है। देखो इसमें नहीं देखते हम लोग, क्योंकि यहां पे देखो कुछ पॉइंट दिया है, इसे क्लियर नहीं हो रहा है, ये इक्वल इक्वल, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है क्या, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो यहाँ से कुछ और चीजें बनेगा, एंगल अपने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होता मान के चलो, यहाँ पे सही फिगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, जहां से निकाले अपन वहां पे क्लियर था नहीं, अगर ये दोनों इक्वल है, इक्वल होने का मतलब है कि आसानी से मिल जाएगा, फिर 180 होकर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्लियर दिख नहीं रहा है। ऐसे देखा जाए तो ये 50-50 आ जाना चाहिए अपने को, ये 50 आ जाना चाहिए, 50 आ जाना चाहिए, अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा अपना, ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीजें दिख नहीं रही, ठीक है, तो यहां पे क्लियरिटी नहीं होने की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ ये देखो क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, 0.8 है ना, यहां पे पॉइंट है, 8 के नीचे 0 है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक 0 है, तो यहां पे आप पॉइंट हटाओगे, पॉइंट अगर हटाओगे यहां पर तो यहां पे 10 आ जाएगा, डिवाइड का साइन चेंज करोगे मल्टीप्लाई में तो 15 ऊपर चले जाएगा और नीचे 16 आ जाएगा आपका, फिर प्लस का साइन, यहां पर 0 को डिवाइड कर दोगे तो पूरा 0 होने वाला है, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 की वजह से पूरा 0 हो जाएगा राइट साइड में, ठीक है, पूरा क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अब यहां पर देखो 5 का डिवाइड हुआ 2 से, 8 का डिवाइड होगा 2 से, 16 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, 1/4 आ गया आपका। 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.75 होता है, 1/4 का मतलब 0.75 होता है, अगर नहीं मालूम तो सॉल्व कर लो भाई, क्या होगा यहां पर आप क्या करोगे, 0 लगाओगे, यहां पे 10 लगाओ, यहां पे 0 लगाओगे तो यहां 0. लगाओगे, 4 × 2 = 8 हो गया, क्या यार मैं भी गलत बोल दिया क्या, 0.75 नहीं होगा, 0.75 नहीं होगा, क्या बोल दिया मैंने, 5 × 2 = 8 × 2 = 1/4 आना चाहिए, तो 1/4 कहां पे आंसर है, 1/4 कहीं दिख रहा है, 1/4 तो नहीं दिख रहा आपको, 8/10 हो गया, बराबर है 16/15 ये था ना, 5 × 2 = 10 हो गया, और 5 × 3 = 15 हो गया, 8 × 2 = 16 हो गया, 3/4 हो गया, 3/4 इक्वल होता है 0.75। अच्छा वो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, 0.75 आपका आंसर आएगा, 3/4 का मतलब होता है 0.75। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, योगेश मोटरसाइकिल की मदद से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कुछ वक्त में 270 किलोमीटर का फासला तय करता है। योगेश नाम का बंदा है, इंग्लिश वाले उनके लिए बोल देता हूँ, योगेश नाम का बंदा है जो 45 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितना है, स्पीड आपका 45 किलोमीटर है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 270 कर रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 270 किलोमीटर कर रहा है। अब उसकी जो स्पीड है पहले की बनिस्बत कितना है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, स्पीड क्या बढ़ गई, 2/7 के हिसाब से उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो गई है, स्पीड इंक्रीज कैसे हो गई है, 2/7 के हिसाब से, 2/7 के हिसाब से उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, पहले 7 था तो अब 2 पार्ट बढ़ गया है, यानी अगर हम लोग बोले तो पहले 7 था तो अभी कितना हो गया, अभी 9 हो गया, 2 पार्ट बढ़ गया मतलब 7 से 9 हो गया उसका स्पीड। और आगे क्या बोल रहे हैं, तो अपने को क्या मालूम करना है, तो कितना टाइम, उसी टाइम में जो पहले टाइम था उसी टाइम में कितना फासला तय करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपने को मालूम करना है। तो देखो पहले 7
के हिसाब से जो कवर करता था तो 45 किलोमीटर कवर करता था, कितना 45 किलोमीटर। ये जो रेशो दिया किसका दिया, स्पीड का रेशो दिया है, किसका है रेशो स्पीड का। तो पहले 7 के हिसाब से कितना किलोमीटर चलता था, 45 चलता था, कितने मल्टीपल कितने टाइम्स देख लो यहाँ पे, 7 के हिसाब से कितना 45 किलोमीटर चलता था। फिर उसके बाद 7 के हिसाब से नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या है कि कितना घंटा लेता था 270, 45 के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो कितना घंटा यहाँ पे कवर कर रहा है, 45 का यहाँ पे डिवाइड कर दो आप तो कितना घंटा हो गया आपका, 9 × 5 = 45 हो गया और 9 × 3 = 27 हो गया, 30 × 5 = 30, 6 घंटा कवर कर रहा है, 6 घंटा इसको मुकम्मल टाइम लगता है, इसको मुकम्मल टाइम कितना लगता है 6 घंटा लगता है। और 2/7 है, मैंने यहाँ पे 2/9 लिखा है, ये 9 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा, ठीक है 9/11 हो गया। तो पहले जो ये कवर करता था, पहले ये कवर करता था मेरे भाई 9 के हिसाब से 45 कवर करता था, 5 गुना, कितना गुना 5 गुना, अभी कितना हो गया 11 हो गया, 2 बढ़ गया, 2 यहां पे ऐड हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना, इसको भी कर दो 55, तो 55 हो गया। पहले स्पीड कितनी थी 45 थी, अभी स्पीड कितनी हो गई 55, 55 के हिसाब से कितना घंटा ट्रेवल करेगा 6 घंटा, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 55 के साथ, आंसर आ जाएगा आपका 6 × 5 = 30, 0 कैरी आया 3, 6 × 5 = 33, 33 ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए समझ में आ गया, 9 के हिसाब से कितना ट्रेवल करता था 45 है ना, ये स्पीड का रेशियो है 9 के हिसाब से 45, कितनी बार पढ़ना पड़ा 5 बार टेबल पढ़ना पड़ा, तो 11 को भी 5 बार पढ़ लो, तो 11 × 5 = 55, तो पहले स्पीड अगर 45 थी तो अभी स्पीड कितनी हो गई 55 हो गई, कितना घंटा चला 6 घंटा चला है, ठीक है तो कितने की स्पीड से चल रहा है 55 की स्पीड से, तो आ गया आपका 330, आंसर कितना आ गया 330। पांच साल कबली उम्र जो हिमांशु की उम्र जो थी 1/4 गुना थी, और 5 साल बाद हिमांशु की उम्र जो है मीना की उम्र के 6/7 गुना हो गई। तो अभी जो हम लोग इसके बाद का जो कुछ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग अब कल करेंगे इसके आगे का जो क्वेश्चन है, जो अगला जो मैराथन लेक्चर रहेगा तो उसके आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी 6 बजे जो आपका लेक्चर रहेगा 65 आंसर आएगा, काय का 65 आंसर आएगा भाई, अच्छा इसका मैंने सॉल्व भी नहीं किया आपने आंसर दे दिया, तो कल करेंगे, 15 मिनट का हम लोग को रेस्ट चाहिए क्योंकि 6 बजे जो है अगला लेक्चर है पेपर सेकंड वालों का, ठीक है 6 बजे पेपर सेकंड वालों का लेक्चर है मैथ्स साइंस वालों का, उनका शेड्यूल बना हुआ है 6 से 7:30 8 बजे तक उनका चलेगा जो भी टाइम रहेगा, तो थोड़ा सा 15 मिनट रेस्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो पेपर सेकंड वाले आप थोड़ा रेस्ट लेके 6 बजे साइंस का जो लेक्चर है उसको ज्वाइन कर सकते हो मैराथन लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगर आपको इसको PDF में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा वहां से आप हासिल कर सकती हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करना ना भूले उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया प्लेलिस्ट।